पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट के बाद हमारा केस स्ट्रांग हुआ है। हिंदू मंदिर का ही परिसर है धार भोजशाला। सुप्रीम कोर्ट में भोजशाला मामले पर सुनवाई की अपील उन्होंने की है। हिंदू पक्ष ने जल्द सुनवाई के लिए याचिका दायर की है। रिपोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई होनी चाहिए, ये विष्णु जैन ने कहा है। मध्य प्रदेश के धार में जिस भोजशाला की बात हो रही थी उसके एसआई रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जमा हो गई। हमारे साथ इस मामले में वकील विष्णु शंकर जैन साहब है। विष्णु साहब, क्या है रिपोर्ट में, क्या जानकारी दी जा सकती है? देखिए, मैं आपको मूलतः ये बता सकता हूँ कि आज इंदौर हाईकोर्ट के सामने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी रिपोर्ट फाइल कर दी है। 2000 पन्ने से अधिक की ये रिपोर्ट फाइल की है एएसआई ने, और जो हमारा केस है स्ट्रांग हुआ इस रिपोर्ट के बाद। बेसिकली तौर पे हमारा ये कहना है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से एक मस्जिद के रूप में उपयोग करने की कोशिश की जा रही है। ये शारदा सदन है और वो सारी बातें हमें ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट से और पुख्ता हुई है। आज इस मामले में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इंदौर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 22 जुलाई को निर्धारित है, तो 22 जुलाई से पहले हम सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल में इसमें एक स्टे लगाया था कि इंदौर हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे ना किया जाए और इंदौर हाईकोर्ट को परमिशन दी जाए आगे बढ़ने। ये बताइए, आज